मुजफ्फरपुर शहर के एकमात्र नेहरू स्टेडियम के परिसर में जिले के सभी खेल संघों की शुक्रवार को बैठक हुई। इसमें स्मार्ट सिटी के तहत स्टेडियम के निर्माण में हो रहे गड़बड़ी का विरोध किया गया। सभी संगठनों ने एक स्वर में कहा कि स्टेडियम एक बहुउद्देश्य स्टेडियम के रूप में बनाया गया था, लेकिन इसका नया स्वरूप एकदम विपरीत है। नगर आयुक्त ने कहा था कि बिना खेल संघ के विचार किए कोई निर्माण कार्य नहीं होगा, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। बैठक में खेल संघों ने निर्णय लिया कि अब इसके लिए सड़क से अदालत तक लड़ाई लड़ी जाएगी। सभी ने कहा कि स्टेडियम के साथ किसी प्रकार की ज्यादती बर्दाश्त नहीं की जाएगी, इसका निर्माण सही तरीके से किया जाएगा। बैठक में जिला हैंडबॉल संघ के अध्यक्ष डॉक्टर फैजुद्दीन फैज, बास्केटबॉल संघ के सचिव अखिलेश मणि, हॉकी मुजफ्फरपुर के मोहम्मद शोएब, खो खो संघ के सचिव बलराम प्रसाद, फुटबॉल संघ के अध्यक्ष असगर हुसैन, हॉकी कोच मनोज कुमार और स्टेडियम में प्रैक्टिस कर रहे खिलाड़ी शामिल हुए। सबसे पहले तो एक ग्राउंड बन रहा था छोटा गोल, तो हम लोग इनसे मिलके हम लोग जिला आयुक्त से मिले, जिलाधिकारी को भी हम लोग एक पिटीशन दिए, पिटीशन कह सकते हैं या संज्ञान दिए, तो जिला आयुक्त ने बोला, नगर आयुक्त ने, कि खेल संघों के साथ मिलकर सब काम किया जाएगा और यहाँ केवल एथलेटिक्स बनेगा और एथलेटिक्स में जो भी होता है जो भी चाहिए और मानक से बनेगा। लेकिन आज तक, उसके बाद ये 3 महीना हो गया, आज तक न जिला खेल संघों के साथ बैठक किए और न स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट वाले लोगों के साथ हम लोग का ये हुआ, जिसका नतीजा है कि ये धीरे धीरे ग्राउंड लीवा पोती के अलावा कोई काम नहीं है। सर आगे आप लोग इस पे क्या किसी तरह देख रहे हैं? अब हम लोग लोकहित संघ जो है लोकहित याचिका दायर करने वाले हैं ताकि जो भी काम हो सही हो। देखिए मैं मुजफ्फरपुर का सचिव हूँ। हम लोगों ने इसको 1993 से हम लोग हॉकी को एस्टेब्लिश किया यहाँ। फील्ड के अभाव में हम लोग BMP में मैच कराते थे, हॉकी लीग जो होता है। अभी हमारे यहाँ बिहार सरकार का एक क्लब सेंटर चल रहा है, जो हमारे जिला पदाधिकारी ने इसको अलॉट किया था। अभी बैग हमको सुनने में आ रहा है कि नहीं, यहाँ हॉकी नहीं होगा तो हमारे बच्चे खेलेंगे कहाँ, और इसने परफॉर्मेंस दिया। ये एक क्लब सेंटर जब से खुला है ये परफॉर्मेंस आपको नेशनल लेवल पे दे रहा है, चाहे वो किसी भी एज में हो, 19 हो, 18 हो, 14 हो, सीनियर्स हो, सारे में हमारे बच्चे परफॉर्मेंस दे रहे हैं। ये देन है एकलव्य हॉकी सेंटर का, जिसके हमारे कोच हैं श्री मनोज जी, इन्होंने दिन रात मेहनत करते हैं। आज हम लोग यहाँ बैठे हैं, सारे खेल संघ के लोग यहाँ मौजूद हैं, खो खो से हैं, कबड्डी से हैं, कुश्ती से हैं, फुटबॉल एसोसिएशन से है, हैंडबॉल एसोसिएशन से है, हॉकी के लोग, जितना खेल संगठन है सब लोग यहाँ बैठे हैं। और हम लोगों ने ये डिसाइड किया, ये सुन के हम लोगों को बहुत अफसोस हुआ कि इस ग्राउंड को खंगा जा रहा है। ये हम लोगों को नहीं समझ में आता है कि किसके आदेश से खंगा जा रहा है, जबकि कोई भी खेल संघ इसके लिए तैयार नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ है कि ये ग्राउंड जो है ये मल्टीपर्पज है। जब मल्टीपर्पज है तो इसमें मल्टी काम होना चाहिए। अब मान लीजिए कि आप बना रहे हैं क्रिकेट के लिए, तो किस आधार से बना रहे हैं, किसके आदेश पे बना रहे हैं, किसने आपको आदेश दिया? जबकि किसी संघ को मालूम नहीं है, किसी खेल संघ को ये पता नहीं, ना हमारे DSO जानते हैं। तो आप अगर ग्राउंड में कुछ भी काम करेंगे तो आपको खेल संघ से राय लेनी चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि आप खंदेंगे, भाई खंदने का एक वक्त होता है, अभी जो है खंदने का वक्त नहीं है। खंदा जाता है मार्च में, अप्रैल में, उस वक्त ग्राउंड खना जाता है, तब ग्राउंड बढ़िया बनता है। अभी आप खन देंगे, खन के आप घास लगा देंगे, जो घास उगेगा ही नहीं, तो ये हमारे किसी पर्पस का है ही नहीं। सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें सेना की बहाली है, बच्चे इसमें दौड़ रहे हैं, उसके अलावा हॉकी का सेंटर है, आपने हॉकी के सेंटर से भी परमिशन नहीं लिया, आप किसी खिलाड़ी से परमिशन नहीं ले रहे हैं, जो दौड़ रहा है उनका। अभी हॉकी का जो है वो हमको लगता है कि आपको फरवरी वगैरह में नेशनल है, तो ये बच्चे कहाँ जाएंगे? इसकी जिम्मेदारी तो होनी चाहिए।